नमस्कार किसान बंधु, आज विलेज बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बकरे को कैसे खिलाते हैं। आयोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट, आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कैसे इसका देखभाल करते हैं और अपने बिहार में जो किसान कहते हैं कि ये सक्सेस नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये यहाँ भी सक्सेस है। यहाँ भी प्रतिदिन बकरे में आपके बदलाव दिखेंगे। बस खिलाने का जो तरीका है, क्या क्या खिलाना है, बस उस पर ध्यान देना है। दवा वगैरह इस सब का भी विशेष ये नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ है कि किस तरह से इसको खिलाना है, कब क्या खिलाना है। ये ब्रीडर है, लगभग 40 किलो वेट होगा। पहले मैं बहुत दिनों से, एक साल से इसको रखा था, कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान गया था, वहाँ जगह जगह घूमा। जो ठाकुर गोट फार्म का बकरे लाने मैं ही जाता हूँ, और वहाँ मैं गया था, वहाँ घूमा, वहाँ के किसान से पूछा कैसे खिलाते हो आप, कब कब क्या देते हो। हम 4 दिन वहाँ समय दिए और देखे, और उसी तरह से हमने यहाँ खिलाना चालू किया। जो जो चीज़ वहाँ देते थे उसी तरह से खिलाना चालू किया, और 8 दिन में ही सब में बदलाव देखने को मिल गया मुझे। आप देख सकते हैं कि ये क्या खा रहा है, इसको देखिए, इसको ये देखिए, यही अपने बिहार का गेहूं का भूसी है, इसको खिलाता हूं। और इसका देखिए, ये बकरा है, कितना सुंदर, कितना चिकना। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा 3 महीने के बच्चा, जो 22 केजी का वेट है अभी भी। ये देखिए, ये 3 महीना का अभी हुआ है, अभी दूध भी पीता है ये। इसकी माँ को तो मैंने नहीं लाया वहाँ से, लेकिन इसको गाय का दूध पिलाता हूँ। और कैसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, अभी कोई दवा वगैरह इसको नहीं दिया हूँ। सिर्फ खिलाने पर तरीका है, खिलाने का बस उस तरीके का इस्तेमाल करना है। और देखिए, इसका वज़न अभी 22 केजी लगभग है, और ये 3 महीने का बच्चा है। और अपने बिहार में, पूर्वी चंपारण ज़िले में इसको रखा हूँ। वहाँ से लाने के बाद भी यहाँ पर इसके वज़न में बढ़ोतरी हुआ है। एक पठिया भी दिखाता हूँ आपको, ये पठिया है, इसको भी मैं लाया था। ये प्योर सिरोही का ओरिजिनल ब्रीड है, और 2.5 महीने का है। इसको मैं 12.5 किलो वज़न में लाया था, और अभी ये लगभग 10 या 12 दिन हुए होंगे, लेकिन अभी ये 16 किलो है। बस सिर्फ कुछ दवा वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कैसे कैसे कब क्या देना है, इसको कैसे खिलाना है, कोई डीवार्मिंग, कोई दवा का ज़रूरत नहीं। बस सिर्फ खिलाने का तरीका है इसका, किस तरह से खिलाते हैं और कब क्या खिलाते हैं। आइए आगे आपको एक और ब्रीडर दिखाऊंगा, जो अपने यहाँ का है। किए देखिए, यही ब्रीडर है, 5.5 महीने का है। ये अपने यहाँ बिहार का जन्मा हुआ है, फिर भी देखिए इसके तंदुरुस्ती में कोई कमी नहीं है। अभी तक इसको कोई वैक्सीन वगैरह नहीं पड़ा है। बस सिर्फ खिलाने पर, क्या खिलाना है, यही ध्यान देना है। और अपने बिहार में भी किसान अगर खिलाने पिलाने का तरीका सही तरह से रखे तो उसको स्वस्थ रख सकते हैं, वज़न भी बढ़ा सकते हैं। और ये देसी बकरी से काफ़ी फ़ायदेमंद है। बस सिर्फ किसान बंधु ध्यान दे कि ओरिजिनल ब्रीड खरीदे, ओरिजिनल ब्रीड मिलेगा, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं है।
उसका वजन बढ़ेगा और सही जगह से ही बकरी खरीदें। इसके साथ मैं ब्लैक बंगाल भी रखता हूँ, उसको भी देखिए मैं क्या खिलाता हूँ, गेहूँ का भूसी कैसे खिलाना है, इसमें क्या क्या मिक्स है, क्या क्या खिलाते हैं वो आगे आपको बताऊंगा मैं।